नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। कोविड 19 के बढ़ते रफ्तार के साथ गर्मी भी दिखा रहा है अपना तीव्र अवतार। कोविड 19 जितनी तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा है, उतनी ही तेजी से गर्मी में बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार पछुआ हवा की वजह से वातावरण गर्म होता जा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 27 मई के पहले गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विभक्ष विकसित होने के कारण आया है। उन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार में दक्षिण पश्चिमी में मौजूदा 5 जून को मॉनसून दस्तक देगा, जिसके बाद ही लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन अब तक गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। बीते सुबह भी 9 बजे ही पारा 40 डिग्री के आसपास महसूस किया गया था। बाद में गर्मी और धूप के चलते घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लगातार चौथे दिन देश में 6000 से ज्यादा मिले मामले। कोविड 19 के मामले लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार भारत में 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में कोविड 19 की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 800 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जो कि अब तक के पाए गए सबसे ज्यादा मामले हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले, जिसके तहत 2500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 52000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। नई दिल्ली में अब तक प्रभावितों की संख्या 14000 को पार कर चुकी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 635 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड 19 की स्थिति नियंत्रित है, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर की 40% कंपनियां बंद होने की कगार पर। देश में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में फिलहाल बंद का माहौल जारी है। वहीं बीते दिन घरेलू विमान सेवाओं की शुरुआत 2 महीने बाद की गई थी, जिसके तहत औद्योगिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 की वजह से ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आने वाले समय में इन कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 महीने या फिर 6 महीने तक इन कंपनियों के खुलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है, जिससे कि साफ तौर पर यह कंपनियां बंद होने की कगार पर है। वहीं इसके तहत ट्रैवल सेंटीमेंट ट्रैकर के सर्वे में बीते दिन इस बात की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही ट्रैकर ने यह भी बताया है कि फिलहाल 15% कंपनी ऐसी है जिसकी कमाई 75% तक कम हो गई है। भाजपा ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कोविड 19 के इस माहौल के बीच महाराष्ट्र की सत्ता पर एक बार फिर से असमंजस का माहौल उत्पन्न हो गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। खबरों की माने तो कोविड 19 के इस माहौल में राज्य में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा से सत्ता से बाहर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा और यही कारण है कि भाजपा इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने बीते दिन राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि कोविड 19 के इस माहौल में सरकार कुछ भी ठीक नहीं कर रही है, लोगों की जान नहीं बचा रही है, सरकार विफल हो रही है, जिसके जवाब में शिवसेना ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। पीयूष गोयल ने की सड़क पर दिखने वाले मजदूरों की सूची की मांग। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे ट्रेन को लेकर राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। ट्रेन चलाए जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच आए दिन बहसबाजी का माहौल देखने को मिल जाता है, जिसके अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे देश में 700 जिले के लिए ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। इसके लिए जिला प्रशासन को उन्हें सूची सौंपनी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों की मदद पूरी तत्परता के साथ कर रही है। उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि अगर कोई भी मजदूर सड़क पर दिखे तो जिला प्रशासन उसकी लिस्ट बनाकर उनका स्थान बता दे, वहां से ट्रेन तुरंत ही चलवाई जाएगी और मजदूरों को गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्यों की मदद कर रही है, सिर्फ उनकी मदद के लिए ही ट्रेनें चलाई जा रही है। ऐसे में विपक्ष सरकार के फैसले का समर्थन करे, उनका साथ दे, ना कि राजनीति करे। देश में N95 मास्क हुआ सस्ता। देश में N95 मास्क ज्यादा सस्ता हो गया, क्योंकि मास्क बनाने वाली कंपनी और आयातकारों ने इसके दाम में 47% तक छूट दे दी है। बाजार में पहले यह मास्क प्रति इकाई 150 से 300 में बेचा जाता था। NPPA के परामर्श के बाद इसकी कीमत कम हो गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बीते दिन एक बयान में कहा है कि इस मास्क की ऊंची कीमत के मसले पर समाधान के लिए NPPA ने कदम उठाया है और यह सुनिश्चित किया है कि वह देश में आम लोगों को यह मास्क सस्ते दर पर उपलब्ध करवाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उच्च न्यायालय के कोविड 19 संक्रमण से बचाव के इस महत्वपूर्ण उत्पाद के दाम तय करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त बातें कही गई हैं। हिंद महासागर के नीचे हो रही उथल पुथल पर वैज्ञानिकों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। एक शोध के मुताबिक हिंद महासागर के नीचे मौजूदा विशाल टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है। यह प्लेट आने वाले वक्त में खुद ब खुद 2 हिस्से में बढ़ जाएगी। हालांकि इससे किसी भी इंसान को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। इसका
असर आने वाले दिनों में हजारों साल में देखने को नहीं मिलेगा। इस प्लेट को भारत ऑस्ट्रेलिया मकर टेक्नोटिक प्लेट के रूप में जाना जाता है। शोध में यह बात सामने आई है कि इस प्लेट के टूटने की रफ्तार बहुत कम है। आंकड़ों के अनुसार एक साल में 0.06 इंच की गति से यह प्लेट दो हिस्सों में बटेगा। पीएनबी ओबीसी यूनाइटेड बैंक में खाता धारकों के लिए जारी की गई जरूरी सूचना। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मिलन के बाद ग्राहकों के लिए जरूरी अधिसूचना जारी की गई है। पीएनबी ने बताया है कि विलय के बाद इन तीनों बैंकों के ग्राहकों के चेकबुक और पासबुक को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिसकी जानकारी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इन तीनों बैंक के विलय को मंजूरी देने के बाद दी है। बैंक के मेगा मर्जर प्रोग्राम के तहत पब्लिक सेक्टर के 10 बैंक का विलय कर 4 बैंक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद पब्लिक सेक्टर में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएनबी बन जाएगा। पीएनबी ने कहा है कि विलय के बाद जब तक अगली अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती, तब तक बैंकों का चेकबुक पासबुक वैध माना जाएगा। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक के नियमों में बदलाव सभी को अधिसूचना जारी करने के बाद ही दिए जाएंगे। कोविड-19 के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल का एक साल का जल्द होगा समापन। कोविड-19 के माहौल के बीच मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाला है, जिस पर भाजपा 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसके तहत 30 मई को एक साल पूरा होने वाला है और आज से 30 मई तक पार्टी कई वर्चुअल मीटिंग करने वाली है। यानी कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक करेगी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में देश भर में 150 मीडिया सेंटर्स में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं भाजपा के अधिकारियों ने भी यह साफ कर दिया है कि एक साल पूरे होने पर भाजपा अब जो भी करेगी वह सब कुछ डिजिटल होगा। कहीं भी लोगों के इकट्ठा होने की संभावना नहीं बनेगी, ना ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई देंगे। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन फेसबुक लाइव पर होगा। देश के हर बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए और राहत के लिए सरकार की तरफ से छोटे छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने की बात भी कही गई है। ज्योति के नाम पर जारी किया गया डाक टिकट। गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा पहुंचने वाली ज्योति की किस्मत रातों रात बदल गई है, जिसके बाद देश के साथ साथ विदेश में भी ज्योति की हिम्मत की सराहना की जा रही है। साथ ही मदद पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन दरभंगा पोस्ट विभाग के अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ज्योति के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है, जो कि ज्योति के गांव जाकर खुद उसे डाक टिकट दिया गया है और उसे सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, अधीक्षक ने उसे 5100 का चेक भी सौंपा है और साथ ही आर्थिक मदद के साथ साथ ज्योति को कपड़े भी मुहैया करवाए हैं। करण जौहर के घर पहुंचा कोरोना। देश भर में कोविड-19 लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कोविड-19 की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई सारे अभिनेता इससे प्रभावित हो गए। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के कई लोग घरों में ही पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कोविड-19 ने अपने बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर के घर पर दस्तक दे दिया है, जिसकी जानकारी करण जौहर ने खुद ट्वीट करके दी है। इसके तहत उन्होंने बताया कि उनके घर के दो लोग काम करने वाले में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके आगे उन्होंने बताया कि इसके बारे में पता चलते ही हमने बीएमसी को सूचित कर दिया था, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को करवाया गया है। साथ ही मेरे पूरे परिवार को कोविड-19 की जांच करवाई गई है, जिनमें से अभी वह सभी सुरक्षित पाए गए हैं। इसके बाद करण जौहर अपने पूरे परिवार के साथ सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद सरकार अपने वादों पर कितनी खड़ी उतर पाई है, कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।